वेलकम बैक टू चैनल। और सुबह सुबह एक सरप्राइज कॉल आ गया। ये कॉल आ गया है कि हमारे एक नोन पर्सन है और उनका आज बर्थडे है। आई डोंट नो कितने के, आई थिंक 75, आई एम नॉट क्लियर। सो एनीवे उनका आज बर्थडे है और उसके सरप्राइज के लिए पुष्कर बना रहे हैं केक, वो भी आटा का केक। उनका पसंद है बिकॉज ही डोंट लाइक मैदा एंड ऑल। सो लेट मी जस्ट क्लियर कि हम आज सिर्फ और सिर्फ आटा यूज करेंगे, उसमें नो एग नो मैदा। देखते हैं केक कैसा बनेगा। आओ चेरी कट हो रहा है जो कि केक में जाएगा अंदर और ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी यूज होगा। और ये हम लोग मिल्क पाउडर यूज करेंगे, थोड़ा दही यूज करेंगे, फिर ये कुछ जेम्स वगैरह डालेंगे। सॉरी, हाँ दूध भी तो डाला ही जाता है। तो अब पुष्कर डाल रहे हैं इसमें रिफाइंड ऑयल। सो हाफ कप ऑफ रिफाइंड ऑयल इसी बार डाल रहे हैं। ये शुगर को आप ग्राइंड कर लो, उसका पाउडर बना लो। और ये भी अराउंड छोटे वाले कप से हाफ कप होगा, वो डाल लो और अच्छे से इसे मिक्स कर लो। पेस्ट शुड बी एकदम अच्छे से, बबल्स वगैरह ना रहे, है ना। मिक्स मिक्स मिक्स। उसके बाद पुष्कर डाल रहे हैं ये मिल्क पाउडर, इससे ना काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है। पूरा ही डाल दो। तो ये 5 रुपए का पैकेट है या 10 रुपए का है? तो ये 10 रुपए का पैकेट है और ये 2 डाल दो आप। और इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। इसमें आई थिंक मिल्क डालना होगा। इसके बाद हल्के हल्के से मिल्क ऐड करते रहो और फिर ये देखो मिलाते रहना है। उसके बाद ये हमें डालना है ये वनीला एसेंस। ये अंदर गया वनीला एसेंस, उससे वनीला वाला फ्रेग्रेंस आ जाएगा और टेस्ट भी। और अच्छे से मिला लेना उसे भी। ये इजिली कहीं भी सुपरमार्केट वगैरह में मिल जाएगा। उसके बाद डालना है बेकिंग पाउडर, ये देखो हाफ चम्मच डाल दो, एक चम्मच ही हो गया, छोटे वाले चम्मच से एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। साथ ही साथ बेकिंग पाउडर के साथ बेकिंग सोडा भी डालना है। ये रहा बेकिंग सोडा गया। और ये हम कौन सी कंपनी का यूज करते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो वेकफील्ड का है, दोनों ही साथ में ये ऐड करना है। आपको बीच बीच में ना मिल्क ऐड करते रहना है और अच्छे से मिलाना है बिकॉज दोनों केमिकल रिएक्शन करेगा। उसके बाद ये गेहूं का आटा डालो आप। ढाई कप डाल दिया है पुष्कर ने और अच्छे से इसे भी मिक्स करना है। अगेन मैं बोलूंगी मिल्क डालते रहना है। तो गाइस इसमें ना ये आप ले लो एक बेकिंग पैन में ना आप एडिबल ऑयल या बटर से स्प्रेड कर दो और थोड़ा सा आप आटा वगैरह डाल दो। उसके बाद ये देखो हमारा बैटर रेडी भी हो गया है और देखो आप थिकनेस वगैरह देख सकते हो। इसमें ना पुष्कर ने डाल दिया है ये चेरी वगैरह अंदर भी। मीनवाइल ऊपर से गार्निशिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं ये जेम्स चेरी और कुछ ये कटिंग होगा ये काजू कैश्यू। और चलो स्टार्ट करते हैं, बेक करते हैं। और ये देखो इसमें ऑलरेडी डाल दिया हमने जो भी बैटर था, अब ये जाएगा ओवन के अंदर। मीनवाइल ये ओवन को ओटीजी को प्री हीट करने के लिए ऑलमोस्ट 5 मिनट पहले आपको डाल देना है। और ये देखो गार्निशिंग हो रही है। सो कुछ इस तरीके से हो गया हमारा गार्निशिंग, चल गया। अब ऊपर से जाएंगे ये जैम। और फिर ऊपर से जा रहा है ये कैशू, बोले तो काजू।
सो गए, हम लोग रेडी हो गए हैं और प्रोग्राम हमारा रात का था। फटाफट उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो हम उनका प्रोग्राम बन गया है, आफ्टरनून में ही सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोग रेडी होके जा रहे हैं, केक रेडी हो गया, मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगी केक कैसा बना है वहीं पे वेन्यू में उनके घर पहुंच के। सी आपको कुछ बोलना है? बाय बोलो। सो गाइस, हॉकी यहीं पे हो रहा है, यहीं पे है कलिंगा स्टेडियम और इस एरिया को बोलते हैं जयदेव विहार। बस हमें भी यहीं आना है और कितना सुंदर डेकोरेट हो रखा है हॉकी की वजह से और देश भर के सारे लोग यहाँ पे आए, देश विदेश भर के, बिकॉज हॉकी का ये वर्ल्ड कप हो रहा है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कलिंगा स्टेडियम में। सच में उड़ीसा बहुत सारा इनिशिएटिव लेता अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए भी। ये देखो हर जगह होर्डिंग्स लगी हुई है और सिटी बहुत अच्छे से सजी हुई है, लाइटिंग्स बहुत ही अच्छी लगती है इवनिंग को। सो गाइज, ये रहा हमारा केक आपके सामने और कितना अच्छा बन गया, टेम्पटिंग लग रहा है और कितना अच्छा फ्लफी है एंड ट्रस्ट मी टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था, सबके फेस में स्माइल है। तो गाइस सब बहुत खुश थे, हमें बहुत कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था और ये देखो फ्लफी है कितना केक और साथ ही साथ बहुत ज्यादा टेस्टी। इस बातें खत्म करने के बाद लंच भी रेडी हो गया। ये पनीर की सब्जी है, गर्मा गर्म घी लगाकर रोटी, भिंडी और ये दाल तो बहुत ही टेस्टी था गाइज। ये सारे लोगों ने मिलके हमने लंच किया, उसके बाद मैं घर आ गई। अविनाश ने ये ऑर्डर किया था अपना ये एयरफोन और वाकई में ये एयरफोन बहुत उसे ज़रूरत थी, वो साइट पर रहता है कंस्ट्रक्शन साइट पर तो उसको ज़रूरत होती है। एनीवे गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे व्लॉग, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर ब्यूटीफुल चैनल विच इज़ डे अनदर डे। बाय बाय।